तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में आज का टॉपिक ही, जैसे आप लोग देख रहे हो कि बहुत जगह वायरल हो रही है ये सारी चीजें, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को मैं भी कवर कर लेता हूँ। तो आज हम बात करने वाले थे ग्रेट काली के बारे में, जिन्होंने अंडरटेकर को मार मार के इतना धोया है कि वो भी याद करता हुआ कि कोई तो था द ग्रेट काली। केन की पूरा मांस निकाल दे, इसके अलावा वो अपने दोनों हाथों से फुटबॉल, एक हाथ दो हाथ मतलब फुटबॉल पकड़ लेते हैं ऐसा मैंने सुना है। और इसके अलावा मैं उनसे मिला भी हूँ बहुत पहले, जब मैं शूटिंग वूटिंग करता तब मैं उनसे मिला था। बहुत मुश्किल से मिलना हुआ था, लेकिन अगर मुझे वो फोटो या कुछ मिला तो मैं डाल दूंगा जरूर, आप लोग देख लेना। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम ग्रेट काली के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से इंस्टाग्राम पे उन्होंने फोटो या पोस्ट उनका डालना शुरू कर दिया है तब से उस पे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो कमेंट पढ़ के आप लोग को हंसी भी आएगी और थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, क्योंकि मैं उनको लेजेंड मानता हूँ। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग उनके बारे में बहुत सोचते थे और हम लोग सोचते थे कि यार कोई तो एक ऐसा रेसलर है जो इंडिया से गया हुआ है, काफी प्राउड की बात थी। तो ऐसा हम लोग मतलब आज भी उनको लेजेंड मानते हैं। तो उनके पोस्ट पे जो जो कमेंट है आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कमेंट है और कौन कैसे कैसे कमेंट कर सकता है, किसका दिमाग कितना कितना बड़ा है। तो आप लोग को आज की वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं और अब हम लोग उनके पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सी, धीरे धीरे चलते हैं इसके ऊपर। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये मेरी आईडी है, तो अभी मैं यहां पे सर्च करता हूं द ग्रेट, द ग्रेट काली कहां गया, अच्छा है मैंने स्पेलिंग रॉक किया, हाँ द ग्रेट काली। तो इनकी आईडी खुल चुकी है और यहां पे है 2523 पोस्ट और 1.4 मिलियन फॉलोअर, 84 लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले पोस्ट के ऊपर उनके आते हैं, ये देखो ये पोस्ट ऐसा है, मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा हाँ वो एप्स मार रहे हैं मे भी। तो इनके कमेंट के ऊपर अभी हम लोग जाते हैं। एक लड़का कमेंट करता है, सर फोन मुंह पे गिरा के फोन तोड़ दो। चलो आगे दूसरे कमेंट की तरफ जाते हैं, भाई ये क्या ये कमेंट है। ये देखो सर दांतों से हिमालय चीर दो। ये सब कमेंट, ये मैं खुद सोच रहा हूं। सर अपने दांतों से हिमालय चीर दो, सोच रहे। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग, भाई ये कमेंट देखो, हाँ सर खुद लोरी गा के खुद सो जाओ। अगर द ग्रेट काली लोरी गाएंगे और खुद गाएंगे खुद सोएंगे तो कैसा होगा। यार बहुत ही अजीब होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो खुद लोरी गाए और खुद सोए। तो ये जो कमेंट किया है भाई, खतरनाक लोग हो तुम लोग। चलो अब इनके दूसरे पोस्ट पे जाते हैं और ये पोस्ट है, एक बाइक चला रहे हैं वो, और लिटरली बता रहा हूँ वो बाइक ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल है। तो उस पोस्ट पे जाते हैं, मैंने इसको ऑफ कर दिया, उसके कमेंट पे जाते हैं। सर बच्चों की गाड़ी छीन ली आपने, वाह, ये कमेंट पे ध्यान देना हा? सर स्टंट मार के धूम फोर बना दो। जॉन अब्राहम किस पे जाएगा, मतलब लोग बहुत सब पिक्चर छोड़ो, सर स्टंट मार के धूम फोर बना दो। ऊपर दूसरे कमेंट की तरफ चलते, एक लड़का यहां लिखता है, सर मोटरसाइकिल को उठाओ और उसको अपने पॉकेट में डाल दो। नो 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 नो, ये कहां से और कहां से आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग। तो चलो हम लोग एक पोस्ट लेते हैं जिसमें जो खली सर है वो किसी बच्चे की हेयर कटिंग कर रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको।
उसके कमेंट पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इसके कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। चलो एक लिखता है सर एंड्रू रसल गेटिंग हेयर कट बाय खली। ठीक है चलो ये भी ठीक था। सर उसको उल्टा कर लो और बाथरूम साफ करवाओ। यार कितने तेजस्वी लोग हैं अपने इधर, कमेंट पढ़ रहे हो सर उसको उल्टा करके अपना बाथरूम साफ करवाओ। बहुत खतरनाक कमेंट है भाई। और देखते हैं, चलो अभी हम लोग दूसरे पोस्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पोस्ट में देखते हैं कि दूसरे पोस्ट में क्या है। एक वो अपने डॉग के साथ कुछ शायद रील बनाए थे अपने डॉगी के साथ, उस पोस्ट के कमेंट देखते हैं हम लोग। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिसमें वो ऐसा ब्रीथिंग ले रहे हैं, ऐसा कुछ टाइप का वीडियो है वो। अब उसमें एक लड़के ने कमेंट किया है सर ऐसा ही करके पूरे इंडिया में ऑक्सीजन दे दो। काश ये पॉसिबल होता। अच्छा था कमेंट। चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ। अब अगर आप लोग नेक्स्ट पोज देखोगे तो काफी सिंपल सा पोज है जिसमें खली सर सिर्फ ऐसे ही खड़े हैं, मतलब स्टैंड है, सिर्फ ऐसे करके स्टैंड है। उसके कमेंट हम लोग पढ़ते हैं। एक लड़का कमेंट करता है कि सर इस शर्ट को फाड़ के ब्लैंकेट बना लो। बहुत खतरनाक लोग हो भाई तुम लोग। तुम लोग कहां से आते हो और इतनी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आती कहां से। खली सर भी ऐसा ना हो जाए, मजबूर हो जाए कि भाई अब मुझे लगता है कि अभी मैंने ट्राई कर रहा था कि कमेंट करने के लिए, शायद कमेंट भी ऑफ रखे तुम जैसे लोगों के वजह से। तो प्लीज ऐसे मत करो यार, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करो और इस तरीके से कमेंट मत करो। मुझे पता है कि आप लोग के भी दिल में मन में ऐसा नहीं होगा, आप लोग भी ये फनी वे में ही कमेंट कर रहे हो। लेकिन जब खली सर या उनके जो मैनेजर होंगे वो सब पढ़ते होंगे तो मुझे पता है कि वो लोग भी इंजॉय करते होंगे इस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक हो कि अच्छे अच्छे कमेंट करो, मोटिवेट करो। तो चलो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट में क्या है। अब वो नेक्स्ट पोस्ट हम लोग निकालते हैं जिसमें खली सर सो रहे हैं। एकदम सादा पोस्ट है जिसमें खली सर सो रहे हैं। अब ये पोस्ट के बारे में देखते हैं कि इस पर क्या कमेंट आया। एक लड़का कमेंट करता है एकदम सादा पोस्ट है जिसमें खली सर सो रहे हैं तकिया पे। अब वो लड़का कमेंट कर रहा है कि सर वो तकिया चबा जाओ। सर वो तकिया चबा जाओ। अब ये कमेंट का क्या मतलब है, बहुत खतरनाक। चलो अभी इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं लेते। अगर आप लोग को मजा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो और कोई हेट कमेंट मत करो यार। देखो एक लिमिट तक कमेंट हो या एक दायरे में हो तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने भी बहुत सारे कमेंट नहीं उठाए। मुझे जो जो ऐसा लगा कि ले सकते थे वही सारे कमेंट मैंने उठाए, और हो सके तो ऐसे कमेंट मत करो। और अभी तक खली सर का इसके ऊपर कोई टिप्पणी या ये सब नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ शायद मैं भी कमेंट ऑफ है, कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट हो चुके हैं। करीबन 5,000-10,000 के ऊपर कमेंट है और सारे कमेंट ऐसे ही आलतू फालतू कमेंट भरे हुए हैं। तो बस अगर आप लोग को इसी टॉपिक पे दूसरा वीडियो होगा तो इस वीडियो पे एम करते 3000 लाइक। अगर 3000 लाइक इस वीडियो पे आ जाता है तो हम लोग इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो बनाएंगे, सेकंड पार्ट, नहीं तो फिर हम लोग कोई टॉपिक चेंज करेंगे और कोई नया वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो में पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोग चाहते हो इसी तरीके कंटेंट में अगर आगे फॉलो करूँ तो 2000 लाइक कर दो। अगर 2000 लाइक आए तो ऐसे ही कंटेंट कुछ आगे फॉलो होता है। तब तक जाते जाते आप लोग खली सर के पोस्ट करो और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सारे अपडेट्स पहले देता हूँ। बाकी आप लोग के ऊपर है, फॉलो करना है तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो भी करो। और खली सर एक कमेंट और मैंने पढ़ा था, मैं आपको दिखा नहीं सकता, पता नहीं मैं भूल गया, कि खली सर आपके फॉलोअर्स को बोलो मुझे फॉलो करो। तो वो कमेंट थोड़ा मेरे रिलेटेबल है, खली सर आपके फॉलोअर को बोलो मुझे फॉलो करें, क्योंकि आपके फॉलोअर बहुत तगड़े हैं खली सर। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। अब मैं शट डाउन करता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।